नारियल के लड्डू और बर्फी। एक ही मिश्रण से हम ये दोनों भी चीजें बनाएंगे। रेसिपी बहुत सिंपल है और इजी भी है, थोड़ी सी ट्रिकी है, छोटे छोटे टिप्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए और ये बहुत ही डिलीशियस लड्डू और बर्फी घर पर जरूर बनाइए इस रक्षाबंधन को। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो दबाने से ही आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो इधर मैंने नारियल लिया है, मतलब कोकोनट फ्रेश वाला, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अभी इसको हम मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि ज़्यादा फास्ट मोड पर ग्राइंड मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी उसका मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये देखिए ऐसा ड्राई ड्राई होना चाहिए और इतना हमको बारीक वाला उसको बनाना है। सो ये अभी रेडी हो चुका है, अभी हम इसको मेजर करेंगे। सो जो इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स है, आप कौन सा भी बाउल लीजिए उससे सब इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट ले लीजिए। सो ये बाउल मैंने लिया है, उसको आप ऐसे दबा दबा कर मैंने दिखाया है वैसा आप इसका मेजरमेंट कर लीजिए। सो इधर मेरा ये वन बाउल जितना ये कोकोनट हो चुका है, अभी ये वन बाउल कोकोनट है। उसी बाउल से मैंने ये 1.5 कप दूध लिया है, जो दूध के ऊपर क्रीम आती है उसके साथ मैंने ये दूध लिया है। अगर आपके दूध पर ज़्यादा क्रीम नहीं आती है तो आप 1 कप मिल्क और 1/2 कप क्रीम ऐसा मेजरमेंट लीजिए। सो ये 1.5 कप मिल्क है उसके साथ क्रीम, और ये 1/2 कप शुगर है। सो वन ये 1/2 कप, ये 1 कप और ये 1.5 कप। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और सिंपल से मेजरमेंट्स, सिर्फ छोटी छोटी टिप से वो ध्यान रखिए। सो पहली टिप मैंने तो बता दी है कि आपको ज़्यादा उसको हाई स्पीड पर ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि हाई स्पीड पर उसका मिल्क निकल गया है तो बाद में हमारी बर्फी और लड्डू बहुत ही चिपचिपे लगेंगे, बहुत मतलब टेक्सचर परफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, हम जब इसको कढ़ाई में डालेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होगा कि वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा कोकोनट, और हमारे लड्डू और बर्फी है जो बहुत ड्राई हो जाएगी। सो 1 मिनट के तुरंत बाद हम इसमें मलाई वाला जो दूध है वो डाल देंगे। सो तीसरी टिप मेरी ये है कि आप जो भी कढ़ाई लो वो हैवी बॉटम वाली होनी चाहिए, मतलब उसका जो बॉटम है वो थिक नहीं होना चाहिए, और बहुत बड़ी लो। इसके 2 रीज़न है, मैं आगे आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। सो ये अभी मैंने लो फ्लेम पर इसको 1 उबाल आने दी है। सो 1 उबाल आने के बाद इस अभी ये मीडियम टू हाई फ्लेम कर देना है आपको, और ये जो दूध है वो पूरा कम कर लेना है। सो ये देखिए, सो हमने इस रेसिपी में बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है, रीज़न यही है कि हमने इसमें डाला है मलाई और दूध, और जो हमारा कोकोनट है वो भी घी छोड़ने लगता है और दूध और मलाई का हमारा खोया बन जाता है। सो हमारे जो लड्डू और बर्फी बनते हैं बहुत डिलीशियस बनते हैं। सो ये देखिए दूध हमारा पूरा कम हो चुका है। अभी इस स्टेप पे आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए हमारी शुगर। शुगर डालने के बाद इसको आप चलाते रहिए, फिर से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि जो शुगर है वो मेल्ट हो जाएगी। सो अभी फिर से हम इसको अच्छे से चला लेंगे और ये तब तक पकाएंगे जब तक इसका एक डो फॉर्म नहीं हो जाता। हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिए इस स्टेप में, क्योंकि इस स्टेप में आपका जो बैटर है वो जल जाने के चांसेस रहते हैं। और मैंने बताया था कि बड़ी कढ़ाई लो, जब आप शुगर डालोगे और जब वो पकेगी तो ऊपर बहुत ही मतलब गर्मी आती है और उसी टाइम हमको उसको चलाना पड़ता है। सो वो थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए ज़्यादा बड़ी कढ़ाई लो तो वो आसान काम हो जाएगा। सो ये देखिए, हमको इसको तब तक पकाना है जब तक ये ऐसा डो फॉर्म नहीं हो जाता, ये देखिए। सो अभी मैं बर्फी के लिए डिश में घी लगा लिया है मैंने। अभी इसमें हम थोड़ा सा ये बैटर डाल देंगे, ये देखिए पूरा डो फॉर्म हो चुका है इसका, ये देखिए। मैंने जो टिप्स बताई है उसका आप फॉलो कीजिए, आपकी बर्फी और लड्डू बहुत डिलीशियस और परफेक्ट बनेंगे।
सो चलिए मैंने ये बाउल में थोड़े से लड्डू के लिए जो हमारा डो है वो निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है हमारे बर्फ़ी के लिए। सो ऊपर से मैंने थोड़ा सा उसको प्रेस कर स्मूथ कर लिया है। अभी इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। सो ये देखिए हमारे जो बर्फ़ी और लड्डू 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो बर्फ़ी है इसको काट कर रखेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ताकि आपको परफेक्ट कितनी हमारी परफेक्ट बर्फ़ी हुई है वो पता चलेगा। ये देखिए बिल्कुल भी सूरी जो है उसको हमारी बर्फ़ी चिपक नहीं रही है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। अगर ज़्यादा ड्राई हो गई तो वो अच्छे से कटती नहीं है। सो ये देखिए अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। अगर आपने कढ़ाई में ज़्यादा जो लास्ट वाला प्रोसेस है ज़्यादा उसको ड्राई किया तो वो बर्फ़ी बनेगी ही नहीं। और अगर आपने उसको पतला रखा मतलब डो फॉर्म होने का इंतज़ार नहीं किया तो वो बहुत चिपकी चिपकी और परफेक्ट उसको शेप ही नहीं आएगा। जब हम लड्डू बनाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे परफेक्ट बनती है। ये देखिए नीचे से भी परफेक्ट शेप आया है। सिर्फ आपको लास्ट वाला प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से करना है। डो फॉर्म होते ही आपको वो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और मिक्सचर को निकाल लेंगे हम, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है सो वो जल जाएगा और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा बाद में। सो तुरंत कढ़ाई में से डो जो है वो निकाल लीजिए। सो ये देखिए लड्डू भी हमारे परफेक्ट बने हैं। ये देखिए सेम डो है, सेम प्रोसीजर है, उसी मिक्सचर से मैं आपको लड्डू भी बना के दिखा रही हूँ। सो मैं आपको एक बड़ा भी बना के दिखाती हूँ। छोटे बनाइए, बड़े बनाइए, लड्डू बनाइए, बर्फ़ी बनाइए, एक ही मिक्सचर से कुछ भी बनाइए, बट मिठाई ज़रूर बनाइए इस रक्षाबंधन को और ज़रूर एंजॉय कीजिए। बहुत ही डिलीशियस हमारे लड्डू और बर्फ़ी रेडी हो चुके हैं। हमारे लड्डू और बर्फी दोनों भी रेडी है, बहुत ही टेंटिंग लग रहे हैं, बहुत डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कैसी हुई हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।